वहीं ग्वालियर जिले में स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा संयुक्त रूप से जंगी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े और अन्य संकायों में विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाने की जाने की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष सिंह चौकस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस का कहना है कि जबरन बैरिकेडिंग तोड़कर यह सभी विश्वविद्यालय की में घुसकर तालाबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग की है, विश्वविद्यालय प्रबंधन भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है, इसलिए विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाई जाए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, मैं इतना चाहता हूँ कि 100 सीटें बीकॉम की, 100 सीटें बीबीए की बढ़ाई जाए, और यही हमारी मांग है। और रिजर्वेशन के आधार पर बच्चों को जगह दी जाए। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, पहले उन पर 200-200 सीटें हुआ करती थी विश्वविद्यालय में, अब सब प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं। और भाजपा यहाँ बजटों में बात करती है नौकरी निकालने की, सबसे ज्यादा बेरोजगार यहाँ का नौजवान घूम रहा है भाई, और शिक्षा में व्यापार कर रहे हो आप। माइनिंग में पहले व्यापार धांधली होती थी, माइनिंग में माफिया हुआ करते थे, अब तो शिक्षा में माफिया। और माफिया कौन, यहाँ के रजिस्टर, वाइस चांसलर, क्या चाहते हैं आप? अरे इनको हटाइए और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को सीट दीजिए। टैलेंट के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, पैसे के आधार पर नहीं। सब इन्होंने पैसे के आधार पर भर्ती कर रखी है। अगर टैलेंटेड व्यक्तियों को बैठाएंगे तो यहाँ पर शिक्षा भी अच्छी होगी और यहाँ पर शिक्षक भी बढ़ेंगे। आपने शिक्षक घटा रखे यूनिवर्सिटी के। विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे एनएसयूआई की लोकल बॉडी के साथी कई दिनों से वीसी को अवगत करा रहे थे कि यहाँ 120 सीटें हुआ करती थी पारंपरिक कोर्सेज में, जिनको घटाकर आधी कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो प्रवेश लेने वाले छात्र उनके संपर्क में है। यहाँ पर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है लेकिन सीट कम है। सीटें बढ़ाना वीसी के हाथ में है, विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में है, लेकिन सीट नहीं बढ़ाई जा रही। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर वीसी से मिलने आए थे, लेकिन डरपोक वीसी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है वो यहाँ से भाग गया है और पुलिस को आगे करके छात्रों के न्याय की अधिकार की आवाज को दबाना चाहता है। लेकिन हम लोग एनएसयूआई के साथी राहुल गांधी के सिपाही हैं, बब्बर शेर हैं। जब तक प्रवेश लेने वाले छात्रों की मांग पूरी नहीं करवा लेंगे तब तक यहाँ से डरने वाले हटने वाले नहीं है। ये कुछ डिमांड्स है इनका स्टूडेंट्स के लेके विश्वविद्यालय का, उस पर इनका कहना है कि पहले से भी ज्ञापन वगैरह दे चुका है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तो आज, इसलिए वो जीवाजी यूनिवर्सिटी में घेराव कर रहे हैं। इसमें जो इनका इमीडिएट डिमांड ये था कि वीसी इधर मौके पे आए और इनसे बात करे और इनको ये प्रॉमिस दे दे कि ये कार्रवाई हो जाएगी उनके जो डिमांड के अनुसार, बट वीसी इज नॉट हियर, वीसी भोपाल में है तो इधर लाना संभव नहीं है। तो और इसका चार्ज ऑफिसर आया था, उनसे उनके साथ इनके बातचीत सहमति पे नहीं हो पाया तो फिर इन्होंने मना किया उनसे बात करने को भी, और ये वीसी को इधर लाना ऐसी बात को लेके ये फेल हो गया, स्टॉल्ड हो गया चर्चा। तो फिर कुछ लोग अंदर घुसने की प्रयास किया, थोड़ा इनकी तरफ से धक्का मुक्की करने की प्रयास किया तो हमको फोर्स यूज़ करना पड़ा, इनको अभी कस्टडी में ले लिया और जेल कॉम्पाउंड में एसडीएम इनका आगे की कार्रवाई की।